हेलो फ्रेंड्स, श्वेता के किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक यम्मी डिश बनाने जा रही हूँ जो कि आप सबको पसंद आ जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। आज मैं बना रही हूँ वेनिला कपकेक, जो कि सबका फेवरेट है। आज मैं ओवन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आज मैं एग का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, आज मैं एगलेस वेनिला कपकेक बना रही हूँ। अगर आपको वेनिला कपकेक खाने का मन करे तो फिर आप इजीली घर पे आधा घंटे में इस कपकेक को बना सकते हो। सो बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल मेथड है। सो चलिए अभी मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कप मैदा लिया हुआ है, इसे ऑलरेडी मैंने छान लिया था। सो आपको छानना बहुत ज़रूरी है मैदा को। और मैंने यहाँ पे आधा कप शुगर लिया हुआ है, मैंने शुगर को मिक्सर में पाउडर कर लिया है। और मैंने यहाँ पे आधा कप कर्ड यूज़ किया है। कर्ड इसलिए यूज़ किया है बिकॉज मैं यहाँ पे एग यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप एग यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप इस पर दो एग यूज़ कर सकते हो, कर्ड को अवॉइड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी लिया हुआ है और मैंने ऑयल लिया हुआ है 1/4 कप। और मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया हुआ है और 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लिया हुआ है। और मैंने यहाँ पे वेनिला एसेंस, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। सो चलिए इसे फटाफट अभी स्टार्ट करते हैं। सो मैंने अभी एक बड़ा बाउल लिया हुआ है, इसमें मैं अभी मैदा डाल दूंगी। और इसमें मैं पाउडर शुगर डाल रही हूँ। सो इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्पून का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं अभी कर्ड डाल रही हूँ। सो अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल दिया है, आप देख सकते हो। अभी मैं इसमें वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। आपको 1 स्पून वेनिला एसेंस डालना है। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। सो इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेना है। लम्स नहीं रहना है इसमें। मैंने अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो कितना स्मूथ पेस्ट बना हुआ है, देखिए। सो इसका कंसिस्टेंसी इतना रहना चाहिए। सो अभी मैं इसमें टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। सो ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे भी।
सो अभी रेडी हो गया है। अभी मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है गैस पे। सो अभी मैं इसमें स्टैंड रख रही हूँ। सो इसे मैं अभी ढक के रख दूँगी 10 मिनट्स के लिए। हमें इसे हीट कर लेना है, प्री हीट कर लेना है। सो इसे मैं अभी ढक के रख दूँगी। मीडियम फ्लेम में आपको रखना है। मैं यहाँ पे पेपर कप का यूज़ कर रही हूँ, टी कप का यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आप चाहे तो कटोरी भी यूज़ कर सकते हो, मग भी यूज़ कर सकते हो, ये इजीली मिल जाता है आपको। और मैंने सभी कप्स में अभी घी लगा लिया है। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हो। ये देखिए, अच्छे से लगा लेना है। ऑलरेडी मैंने इसे लगा लिया है। अभी मैं सभी कप में मैदा डाल के उसे अच्छे से हिला लूँगी। सभी कप्स को मैंने अच्छे से मैदा डाल के डस्ट कर लिया है, देखिए। सो अभी मैं इसमें ये बैटर डाल रही हूँ। अभी इस कप में मैं बैटर डाल रही हूँ। आधा कप से डालने हैं आपको, बिकॉज़ जब फूल के आएगा तो ऊपर तक आ जाएगा। सो सभी मैं अभी आधा कप डाल दूँगी। सो चारों कपों मैंने अच्छे से अभी डाल लिया है। सो आधा ही डाला हुआ है मैंने, बिकॉज़ वो फूल के आ जाएगा। अभी मैं ऊपर से भी अभी टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। सो अभी ये रेडी हो गया है। सो चारों कप्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अभी मैं इसे ढक के रख दूँगी। सो 25 to 30 मिनट्स के लिए मैं इसे बेक करूँगी। सो इसे मैं अभी ढक के रख रही हूँ। सो मैंने अभी इसे 25 मिनट्स के लिए रख दिया था। अभी मैं इसे ओपन कर रही हूँ। सो हाथ से टच मत कीजिए, बिकॉज बहुत ही गर्म है ये। सो अभी मैं इसे टूथपिक से चेक कर रही हूँ। सो ऑलमोस्ट हो गया है ये। सो देखिए कैसे फूल के आ गया हुआ है अच्छे से। सो अभी हमें इसे रूम टेम्परेचर में आने तक वेट करना है, उसके बाद हम इसे टी कप से निकाल सकते हैं। सो अभी मैं रूम टेम्परेचर में आने तक इसका वेट करूँगी, उसके बाद मैं इसे आपको निकाल के दिखाऊँगी। सो अभी मैं इसे देखिए कितने अच्छे से निकल के आ गया है। सो अभी मैं इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए कितना स्पॉन्ज जैसे बना है ये, बहुत ही सॉफ्ट बना है। सो बहुत ही इजी है ये रेसिपी। सो आप भी इसे घर पे बनाइए, बस आधा घंटा लग जाएंगे आपको। और वो उनका भी यूज़ नहीं करना है इसमें। और एगलेस वेनिला केक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।